सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के होने वाले इवेंट के बारे में, जिसका नाम है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स गेम शोकेस। तो इस इवेंट की टाइमिंग क्या होने वाली है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये कब देने वाला है, और इस इवेंट से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आप क्या क्या गेम्स इस इवेंट में देख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइमिंग के बारे में। ये इवेंट आपको जुलाई 23 में देखने को मिलेगा, यानी कि 23 जुलाई को ये आपको देखने को मिलेगा, और पैसिफिक टाइम के हिसाब से ये 9 AM में देने वाला है, यानी कि 9 बजे सुबह में देने वाला है, और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखें तो ये इवेंट आपको 9:30 बजे यानी कि 9:30 PM में देने वाला है। तो रात को ये 9:30 बजे इवेंट देगा, और ये इवेंट एक्सबॉक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देने वाला है, तो डेफिनेटली आप इस इवेंट को मिस ना करें। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस इवेंट का नाम इनसाइड एक्सबॉक्स नहीं है। यहाँ पे अगर इस इवेंट का नाम इनसाइड एक्सबॉक्स होता तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सबॉक्स के रिगार्डिंग पता चलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस बार आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा रिगार्डिंग एक्सबॉक्स, यानी कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के हार्डवेयर के बारे में हमें ऑलरेडी सब कुछ पता है, चाहे वो रे ट्रेसिंग हो या फिर इसके डिज़ाइन हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट पार्टी गेम्स और थर्ड पार्टी गेम्स दिखाए जाएंगे, इसमें एक्सबॉक्स के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इसीलिए इस इवेंट का नाम एक्सबॉक्स सीरीज एक्स गेम शोकेस है। तो अब बात करते हैं आप कौन कौन से गेम्स, फर्स्ट पार्टी गेम्स और उनका गेम प्ले या ट्रेलर देख सकते हैं इस इवेंट में। तो सबसे पहले जो गेम आता है वो है हेलो। हेलो की ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है, हेलो का गेम प्ले आपको इस इवेंट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि हेलो एक्सबॉक्स का अपना फर्स्ट पार्टी गेम है और हेलो को काफ़ी टीज भी किया जा रहा है, तो हेलो का आपको गेम प्ले इस इवेंट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको निंजा थ्योरी की तरफ से हेलब्लेड का डेमो देखने को मिल सकता है, छोटा गेम प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि हेलब्लेड का फर्स्ट ट्रेलर हमने 2019 में देखा था, उसके बाद से इसका कोई भी ट्रेलर या टीजर नहीं दिया गया, तो डेफिनेटली इस इवेंट में आपको हेलब्लेड का गेम प्ले देखने को ज़रूर मिल सकता है, या फिर एक नया इन इंजन ट्रेलर देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि हेलब्लेड भी एक्सबॉक्स का फर्स्ट पार्टी गेम है, तो आपको हेलब्लेड भी देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा आपको फेबल रिबूट का ट्रेलर या गेम प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेबल के बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि फेबल रिबूट होने वाला है, इसका अगर रिबूट वर्जन आता है तो आपको इसका ट्रेलर या गेम प्ले देखने को ज़रूर मिलेगा, वो भी इन इंजन। इसके अलावा रेसिंग गेम्स के बारे में बात की जाए तो फोर्जा होराइजन का आपको नया गेम प्ले देखने को मिल सकता है, या फिर एटलीस्ट ट्रेलर तो देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फोर्जा जो फ्रेंचाइज है वो भी एक्सबॉक्स का फर्स्ट पार्टी गेम है, तो इसमें आपको फोर्जा होराइजन भी देखने को मिल सकता है, या फिर फोर्जा मोटर स्पोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में फोर्जा मोटर स्पोर्ट 8 आपको इस इवेंट में दिखाया जा सकता है, और इसका गेम प्ले दिखाया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसका कोई ट्रेलर दिखाया जाएगा, क्योंकि प्लेस्टेशन ने अपने फ्यूचर ऑफ गेमिंग में ग्रैंड टूरिज्मो का गेम प्ले भी दिखाया है, तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स प्लेस्टेशन 5 से बेटर इवेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी गेम प्ले डेफिनेटली दिखाएगा फोर्जा मोटर स्पोर्ट 8 का। इसके अलावा निंजा थ्योरी की तरफ से एक नया टीजर निकल के आया था, जिसका नाम प्रोजेक्ट मारा था। प्रोजेक्ट मारा एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लें, उसमें मैंने प्रोजेक्ट मारा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो प्रोजेक्ट मारा का कोई भी ट्रेलर नहीं दिखाया गया था, वो एक छोटा कुछ सेकंड का टीजर था, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, बस ये बताया गया कि वो रियल टाइम साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है जो मेंटल टेरर के ऊपर बेस है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको प्रोजेक्ट मारा का नया ट्रेलर देखने को मिल सकता है इस इवेंट में। इसके अलावा ये बहुत सारे थर्ड पार्टी गेम्स है, उसके आपको गेम प्ले या ट्रेलर देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको फर्स्ट पार्टी गेम्स के भी ट्रेलर देखने को मिल सकते हैं जो कि अनअनाउंस हैं। एक सरप्राइज हो सकता है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की तरफ से, कुछ न्यू आईपीज आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने सोनी की तरफ से देखा। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की तरफ से आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे इस एक्सबॉक्स सीरीज एक्स गेम शोकेस में। तो ये इवेंट मस्ट वॉच इवेंट है, क्योंकि प्रीवियस एक्सबॉक्स का इवेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो इस बार इस इवेंट का परफॉर्मेंस आई थिंक के अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्लेस्टेशन 5 का जो इवेंट था वो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेमिंग इवेंट बन चुका था। अब शायद एक्सबॉक्स के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, तो एक्सबॉक्स को अच्छी स्ट्रैटेजी करना ज़रूरी है, वरना एक्सबॉक्स पीछे रह जाएगा। तो इस इवेंट में आपको लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट पार्टी न्यू गेम्स, न्यू आईपीज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए, और आपको क्या लगता है कौन से गेम का ट्रेलर या गेम प्ले दिखाया जा सकता है इस इवेंट में। अपने थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।